एयरपोर्ट पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं, जवाब देने गाइस ये नोट कर लेना मेरी बात, उसका आपको बोलना है कि नहीं भाई मेरे को मैं। हेलो गाइस, कैसे यार आप सब लोग। तो आज मैं देख लो फिर से ना फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि मैं आपको आज मतलब कुछ बुलेट पॉइंट्स कह सकते हो आप मैंने बना रखे हैं आज की वीडियो के अंदर, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो जैसा कि यार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वीज़ा इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, गाड़ियाँ एक तो बहुत आती हैं यार यहाँ पे, वीज़ा इंटरव्यू वगैरह में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ये वाली वीडियो को लाइक कर दो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको इंटरव्यू अपना क्लियर, ठीक है ना। और मैंने अब ये एक चीज़ और सुनी है कि अब आपको ना इंटरव्यू से पहले आपको अपनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। तो ऐसा मेरे को अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि अब इंटरव्यू से पहले फ़ीस जमा करानी पड़ती है यूनिवर्सिटी की। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कुछ सिस्टम आया होगा नया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो के अंदर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो यार देख लो, सबसे पहले तो यार मेन बात आती है इंटरव्यू की। तो यार देखो, मैं आपको कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का मेन बता देता हूँ और वीज़ा इंटरव्यू का बता देता हूँ जो जो मेरे साथ हुआ है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी सेम ही पूछती हैं ऑलमोस्ट, तो आप सेम ही कर सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी। तो गाइस फिर मैं अब आपको बता देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले तो यार आपका नाम पूछेंगे सबसे पहले तो आपके इंटरव्यू में। मैं आपको मेनली पहले बताता हूँ आपका कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में, ठीक है। ऑलमोस्ट वीज़ा इंटरव्यू और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम होगा। ये वाले क्वेश्चंस तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, बाकी एडिशनल मैं आपको और कुछ ना कुछ बताता हूँ अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार आपका नेम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे कि आपका नेम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई कि आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, फिर वो बोलेंगे यस। क्यों पढ़ना चाहते हो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, उसका रीज़न पूछेंगे आपको। या फिर अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो उसका रीज़न पूछेंगे कि आपको यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी है। तो उसके बारे में आपको चीज़ें पता करनी है अपनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इतनी रैंकिंग है और जो आपका कोर्स है उसके बेसिस पे इसकी कितनी रैंकिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ग्लोबल हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अगर आप, तो उसके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी की यूके के अंदर कितनी रैंकिंग है, वर्ल्ड में कितनी रैंकिंग है, ये सब आपको पता करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। कितनी रैंकिंग है, फिर उसका कितनी सब कुछ चीज़ें मॉड्यूल्स के बारे में आपको अपने कोर्स रिलेटेड पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस की, मतलब उससे रिलेटेड जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा मॉड्यूल वगैरह कि आपके कोर्स के अंदर कौन से मॉड्यूल्स वगैरह आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा है इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, ये सब है। तो आपको अपने मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं बताऊंगा यार कि हर यूनिवर्सिटी का अलग है, हर यूनिवर्सिटी का अलग कोर्स होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, तो मैं हर किसी का थोड़ी देखने बैठूंगा। ये आपको खुद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखना पड़ेगा यार। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी फुल फॉर्म पूछेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं BEng करता हूँ तो उसकी फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे। ऐसे पूछ सकते हैं मतलब कि जैसे लोग MTech करते हैं, MBA करते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म पूछते हैं तो वो किसके लिए स्टैंड करती है, उससे हमको आगे क्या फ़ायदा होता है, कि मतलब वो हम BSc क्यों नहीं कर रहे, MSc क्यों नहीं कर रहे, उन दोनों में डिफरेंस, मतलब ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं वो। फिर पूछेगा कि आपने प्रीवियस क्या क्या स्टडी कर रखी है, इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ रखा है, आपने 12th कर रखी है या आपने कॉलेज कर रखा है, आपने पिछले उसमें क्या क्या आपने पढ़ाई कर रखी है, आपको कितने ग्रेड्स, मतलब ग्रेड्स का तो खैर नहीं पूछते कि मतलब आपकी फ़ाइनल लास्ट एजुकेशन पूछते हैं। दैट्स इट। ये देखो पुलिस वालों को भी अभी आना था, एम्बुलेंस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। फिर उसके बाद पूछेंगे कि आपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 12th ख़त्म हुई थी अप्रैल में मेरी 12th ख़त्म हुई, उसके बाद मेरा कोर्स जो था वो स्टार्ट हुआ सितंबर के अंदर, तो पूछेंगे कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम में क्या करा आपने। किसी का ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उससे और चीज़ें पूछते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले कुछ काम कर रखा है, आप कुछ भी, मतलब आपसे पूछेंगे कि आपने वर्क कर रखा है, स्टडी कर रखी है, कितना पढ़ रखा है, कितना आपने वर्क कर रखा है, तो आपको वो सब बताना पड़ेगा। कुछ भी बता दो यार अपना, अगर आपने कुछ करा है तो, नहीं तो सच सच बताना होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पूछते हैं भाई आपसे फ़ीस का, कि आप अपनी फ़ीस खुद भर रहे हो, लोन लेके भर रहे हो, कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपकी फ़ीस, पापा कर रहे हैं स्पॉन्सर, मम्मी कर रही हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं या फिर कोई रिलेटिव कर रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फ़ीस कौन स्पॉन्सर कर रहा है। फिर उसके बाद पूछते हैं आपसे पेरेंट्स सैलरी के बारे में कि
पेरेंट्स ऑलमोस्ट कितना कमा लेते हैं वो अफोर्ड तो कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो आपको 3 साल की फ़ीस लगेगी, मतलब 3 साल की फ़ीस लगती है, तो 3 साल की वो निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। अगर मास्टर्स करने जा रहे हो तो अभी हाफ भर के आ रहे हो तो वो मतलब पूछते हैं कि कितनी कितनी सैलरी है उनकी, तो ये सब पूछेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं यार। फिर उसके बाद अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो या मास्टर्स करने जा रहे हो तो पूछते हैं पोस्ट स्टडी प्लान्स कि आपको, मैं आपको ना एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर अभी और बताऊँगा, वो ध्यान रखना ठीक है ना। तो उसके बाद आपसे पूछते हैं पोस्ट स्टडी प्लान्स कि आपको बैचलर्स के बाद मास्टर्स करनी है यहाँ पे, या फिर आपको मास्टर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है यहाँ पे, क्या करना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कह रहा हूँ, PhD वगैरह जो सब नॉर्मल होते हैं, तो आपको मतलब आगे पढ़ाई करनी है UK में कि नहीं करनी, ये एक चीज़ आपसे पूछेंगे वो। तो आपको उन्हें बताना है कि भाई अगर सही हालात रहे या कुछ भी मतलब अच्छा लगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो नहीं। और फिर वो पूछते हैं कि आपको यहाँ पे आगे सेटल होना है या नहीं होना या फिर क्या करना है, तो आपको उसका क्या जवाब देना है गाइज, ये नोट कर लेना मेरी बात, उसका आपको बोलना है कि नहीं भाई मेरे को, मैं अपनी कंट्री के लिए, अपना वेलफेयर के लिए, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद दोबारा इंडिया जाके अपने अपनी देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना मुझे, या फिर ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ बोलना है उन्हें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है ये वाली बात, ये ज़रूर बोलनी है आपको, ठीक है ना। फिर आपको बात करनी है, वो आपसे पूछेंगे कि आपको पता है ना कि पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के बारे में कितने आवर्स कर सकते हो आपके, आपको 20 आवर्स ही अलाउड है, आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, ये वो, तो वो इसके बारे में आपसे पूछेंगे। फिर पूछेंगे आपके ऊपर एनी डिपेंडेंट्स, कोई आपका हस्बैंड, बेटा, बेटी, मम्मी पापा या कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, या आप मतलब कुछ भी मतलब आपसे पूछेंगे तो आपको कहना नहीं, अगर हैं तो बता देना भाई आप स्पाउस वीज़ा पे हो या कुछ भी हो तो वो आप बता सकते हो, सो सिंपल। आपका कोई रिलेटिव है UK के अंदर, फिर ये पूछेंगे आपसे कि आपका मतलब कोई फैमिली है आपको जो सपोर्ट कर रही है, आप किसी के साथ रहोगे या अपनी प्राइवेट एकोमोडेशन बुक करोगे, या आपको कोई ऐसा बंदा जो आपको UK के अंदर जानता हो, फिर आपसे ये पूछेंगे वो। फिर पूछेंगे कि इससे पहले आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल आया है या नहीं आया, इससे पहले आपने कोई और कंट्री के लिए ट्राई करा, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री के लिए इससे पहले आपने अगर ट्राई करा हो तो बता देना, वीज़ा रिफ्यूज़ल आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यार लोग ना रुक रुक के जा रहे हैं, मेरे को पीछे मुड़ के देख के जा रहे हैं, क्या बोलूँ मैं इन्हें। फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे कि आपकी स्टेट मतलब कहाँ पे रहते हो इंडिया में, कैसी जगह है, क्या है, ये वो ऐसे करके पूछेंगे। कोई कोई पूछ लेता है कि आपका क्या बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, क्या बोर्ड है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। फिर कोई कोई पूछते हैं कि आपने कोई इंग्लिश का टेस्ट का एग्ज़ाम दे रखा है, IELTS वगैरह का, या कुछ आपने टेस्ट दे रखा है या नहीं दे रखा, आप मतलब आपकी 12th में कितनी इंग्लिश की परसेंटेज थी, तो इससे रिलेटेड आपसे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी तो आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे तो उसका तो उतना तो उन्हें समझ आ ही जाएगा कि भाई बंदा बात कर सकता है इंग्लिश या हिंदी में, कोई भी मतलब लड़का लड़की जो भी बात करेंगे तो इतना तो समझ ही जाएंगे। बाकी आपसे फिर भी पूछ सकते हैं वो, तो उसका आपको जवाब रेडी रखना है सबका। फ़ीस का मैंने आपको बता दिया, मैंने सबका आपको तो बता ही दिया ऑलमोस्ट, बस यही क्वेश्चंस मेनली पूछते हैं यार वो। और बाकी एयरपोर्ट पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू वाले, मतलब वो कि जैसे आपको यहाँ पे आपने आपकी ऑलरेडी एकोमोडेशन बुक्ड है, आपको डायरेक्ट अपनी एकोमोडेशन में जाना है या कहीं और जाना है, तो ऐसे करके वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी मतलब घुमा फिरा के। कभी कभी कुछ तलाशी लेने के लिए भी रुकवा देते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, तो उसका भी ध्यान रखना आप। प्लस ये जो मैंने आपको बोला ना कि इधर ही रहना, आपको इधर ही सेटल होना है, ये वो, ये वाली बात का ध्यान से, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछ सकते हैं वो कि आपकी मतलब आगे आप मतलब आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे, अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको कितनी सैलरी होगी, ये वो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस यही यार नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, और ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे ख्याल से, और तो नहीं आना चाहिए यार, आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, नहीं तो हल्ला मचा देना और क्या। तो बाकी मैंने आपको पूरी बुक पकड़ा दी है, अगर कुछ आएगा तो आपकी रेफरेंस बुक्स जो बाकी हैं उनमें से आ जाएगा, नहीं तो मेन बुक मैंने आपको पकड़ाई थी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखते रहना रिमाइंड कर करके। बस फिर एम्बुलेंस आ गई, देख लो भाई बहुत एम्बुलेंस आती है। तो एनीवेज गाइस, एंड करते हैं आज की वीडियो, और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।